हाय दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के बारे में व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव्स लेट्स हैव अ लुक ध्यान दो पहले मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट समझाता हूं एक बेसिक चीज समझाता हूं आपको इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है आपने मान लो थाउजेंड रुपीज का एक बॉन्ड खरीदा है बॉन्ड उस बॉन्ड की फेस वैल्यू थाउजेंड है मार्केट प्राइस भी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम मान के चलते हैं थाउजेंड है तो आपने थाउजेंड में खरीदा कूपन रेट है उसका दस परसेंट और मैच्योरिटी है पांच साल की कुल cool. अब इसमें क्या होगा अब मैं बात करता हूं कैश फ्लो की <coughs> एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल पहले साल आपको कितने रुपए मिलेंगे फेस वैल्यू थाउजेंड कूपन रेट दस परसेंट तो आपको सौ रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा सौ का इंटरेस्ट मिलेगा सौ सौ और यहां ग्यारह सौ वापस मिल जाएंगे यानी कि सौ का इंटरेस्ट प्लस हजार रुपए का आपका फेस वैल्यू रिडीम हो जाएगा तो ऐसे पांच साल में आपके कैश लॉस हो गए दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग इन अ बॉन्ड रेट बॉन्ड जहां पे आपके बॉन्ड की कूपन रेट सेम है फिक्स्ड। एक और कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फेस वैल्यू थाउजेंड मार्केट प्राइस भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी थाउजेंड मेचोरिटी साल कूपन रेट अब आती है सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है अब देखो इंडेक्स टू अब ये जो कूपन रेट है ना ये आपने फिक्स नहीं रखना है दस परसेंट जैसे फिक्स था नहीं अब ये कूपन रेट किसी और चीज पे डिपेंड करेगा अब वो वो जो चीज है कूपन रेट किसी और चीज पे डिपेंड करेगा हर साल अब वो जो चीज है उसकी हर साल की वैल्यू बदलेगी सो दट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग तो अगर इस चीज की वैल्यू बदलती रहेगी तो कूपन भी उसी पे डिपेंडेंट है तो कूपन की भी वैल्यू आपकी हर बार बदलती रहेगी अब सौ 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 रुपए फिक्स नहीं रहनी है सो बेसिकली व्हेन द कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर फैक्टर इंडेक्स टू सम अदर फैक्टर व्हिच इज चेंजिंग व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग ठीक है तो इंडेक्स टू लेट से सेंसेक्स सेंसेक्स कंटिन्यूसली बदलते रहते सो so, uh, हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि दस परसेंट है और सेंसेक्स के अभी दस परसेंट कूपन रेट सेंसेक्स जब uh, मान लो पच्चीस हजार चल रहा है अभी नाउ कैश फ्लोज देखो एक दो तीन चार पांच मैं पहले सेंसेक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ कि उस उस टाइम पे सेंसेक्स कितना था यहाँ था मान लो छब्बीस सौ ठीक है <coughs> यहाँ आ गया मान लो साढ़े सत्ताईस हज़ार यहाँ आ गया तीस हजार यहाँ आ गया आपका पच्चीस हज़ार और यहाँ आ गया आपका बाईस सौ तो चेंज देखो अब क्या होता है दस परसेंट इंडेक्स दस परसेंट कूपन रेट आपको मिलेगा अगर इंडेक्स पच्चीस हजार है तो पच्चीस हजार इंडेक्स था पच्चीस से छब्बीस पांच सौ में डिफरेंस देखो कितने का है पंद्रह सौ बाय पच्चीस हजार कितना परसेंट चेंज हुआ आपका <coughs> सॉरी हम उसको ऐसा ले लेते हैं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वो नहीं तो दस डिवाइडेड बाय पच्चीस इंटू छब्बीस पांच सौ तो वो आता है टेन पॉइंट सिक्स परसेंट कैसे किया मैंने देखो दस परसेंट डिवाइडेड बाय पच्चीस हजार इंटू छब्बीस पांच सौ मतलब पच्चीस हजार पे दस है तो छब्बीस पांच सौ पे कितना जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करते हो टेन पॉइंट सिक्स परसेंट तो उस टाइम पे आपको कूपन रेट डिसाइड हो गया अब कूपन का जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा दस पॉइंट छ परसेंट थाउजेंड पे एक सौ छह रुपए अगली बार क्या होगा दस डिवाइडेड बाय पच्चीस हज़ार इंटू सत्ताईस पांच सौ ग्यारह परसेंट तो ये होगा एक सौ दस फिर दस डिवाइडेड बाय पच्चीस हजार यानी पॉइंट ट्रिपल जीरो फोर आता है वो इंटू तीस हज़ार ये बारह परसेंट तो ये हो गया एक सौ बीस ठीक है ये पच्चीस ही है तो दस ही परसेंट मिलेगा सौ और ये हो जाएगा नौ

ठीक है होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और यही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हमने एम्बेड किया एम्बेड करना यानी कि उसके अंदर में आ, क्या बोलते हैं उसको फिक्स करना उसके अंदर में फिक्स करना सो दिस इज होस्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ एम्बेडेड डेरिवेटिव और इसके अंदर में एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या है ये जो कूपन रेट है विच इज इंडेक्स टू सेंसेक्स दिस इज द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव का डेफिनेशन आपको पता है डेरिवेटिव इज समथिंग एन अंडरलाइन असेट व्हिच डिराइव इट्स प्राइस फ्रॉम समथिंग एल्स मतलब एक असेट जो किसी जिसकी प्राइस किसी और की प्राइस किसी और चीज की प्राइस पे डिपेंड करती दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव तो सेम चीज ये भी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कूपन रेट किसी और चीज पर डिपेंड करेगा जो कि बदलते जा रहा है तो हम बोलेंगे एम्बेडेड एम्बेड embed किया हमने डेरिवेटिव एम्बेड करना यानी कि थप्पा लगाना बोल सकते हो या किसी चीज पे फिक्स करना अगर आपको पता होगा पुराने जमाने में जब लेटर लिखा जाता था तो वो लेटर को आप जब आप किसी को भेजते थे तो आप उस पर सिम्बॉल लगाते थे वो कुछ बहुत ही क्या बोलते हैं उसको अ गर्म गरम सा होता था

एम्बे करने का मतलब आपको पता है डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है सेम वर्डिंग्स पे जाओ आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेडिव इज सो दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्बेडेड डेरिवेटिव इज ऐसे आप कई सारे कॉन्सेप्ट कई सारे कॉन्ट्रैक्ट uh, बना सकते हैं मैंने आपको एक सिंपल सा एक्साम्पल अभी दिया है आपके पास में अगर नोट्स है तो थेरी नोट्स में यू कैन गो इन दी आई थिंक डेरीवेटिव चैप्टर एंड यू विल गेट यूलसेप्ट एंड फ्यू अदर एग्जाम्पल थोड़े से कॉम्प्लेक्स एक्साम्पल अब उसमें भी दिए हुए हैं आपको एम्बेडेड डेरीवेटिव के अब ये आपने वीडियो देख ली उसके बाद में आप अब उस थेरी को पढ़िए तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी नोट डाउन कर लो ये सब चीजें उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर पे नए कॉन्सेप्ट मूव ऑन करते हैं बाय बाय